हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और अनादर वीडियो में। आज के इस वीडियो में अभी हम निकले हैं PVR जयपुर ऑफ मॉल की तरफ, जहाँ पे हम देखने वाले हैं मोस्ट एंटीसिपेटिंग मूवी डेडपूल एंड वुल्वरिंग। तो यहाँ मैं जाने वाला हूँ पहली बार 4DX के एक्सपीरियंस के लिए। तो आगे व्लॉग में जाते हैं सीधे थिएटर पहुँच के कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मूवी के साथ साथ जो PVR मॉल की एक्सेसिबिलिटी और सब कुछ। मेरे साथ है मेरा छोटा भाई मोहित, और अभी हम देखिए रास्ते पे निकल गए हैं। हल्की हल्की फुहारी स्टार्ट हुई है बारिश में, बारिश के मौसम में, और काफ़ी अच्छा सुहाना सा मौसम हो गया है। ये है जयपुर की ट्रैफिक का हाल, काफ़ी अफसोस। अभी हम स्टक हो गए हैं ट्रैफिक में। तो दोस्तों, हम पहुंच गए PVR मॉल ऑफ जयपुर, जहां आप मॉल के फ्रंट से या पार्किंग एरिया से मॉल के अंदर जा सकते हैं। मूवी थिएटर यहां का मॉल के थर्ड फ्लोर पर है। मॉल पहुंच हमने शो की टिकट ली और फिर 4DX स्क्रीन एरिया की तरफ हम गए। यहां का जो इंटीरियर है वो काफी खूबसूरत है, और साथ ही यहां का लॉबी एरिया भी। सबसे अच्छी बात जो मैंने यहां देखी वह थी ये स्टेयर्स क्लाइंबर व्हीलचेयर, जो कि इससे पहले मैंने जयपुर के किसी थिएटर में नहीं देखी। हालांकि मैंने इसका यूज़ नहीं किया और बैकलिफ्ट के द्वारा ही अपनी सीट तक पहुंचने के लिए हम निकले। अजीब से आ रही है। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए थिएटर में, कंप्लीट पूरा खाली है। अभी हम अपनी सीट पे बैठ गए। हॉल में बोला गया था कि सीट मे बी अनकंफर्टेबल हो सकती है मूवमेंट के कारण, तो देखते हैं कि लाइक इज़ इट सेफ और नॉट। तो मूवी अभी स्टार्ट नहीं है, 6:30 है हमारा मूवी का टाइमिंग, बट अकॉर्डिंग टू द सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है। और आपको दिखाता हूँ इससे गेटअप कि मॉल का। दोस्तों, 4DX 3D की खास बात जो इसे स्पेशल बनाती वो है इसमें आप सारे सेंसेस, साउंड, स्मेल, टच और मूवमेंट एक साथ फील करते हैं। जैसे जैसे मूवी में मूवमेंट होती है उसी तरह आपकी कुर्सी हिलती है, और बाकी चीज़ों का भी वैसा ही अनुभव दिया जाता है। हमने मूवी देख के अभी हम पार्किंग एरिया में आए हैं। मूवी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मोहित को कैसे लगी है बताएंगे वो मूवी। तो दोस्तों, सो फाइनली वी आर नाउ
हेडिंग टूवर्ड्स टू आवर होम। तो हमने मूवी देख ली, मूवी एवरेज थी, ठीक थी। 4DX का एक्सपीरियंस भी मेरा फर्स्ट टाइम का ठीक ठाक रहा। मोहित बताएंगे, मोहित तेरे को कैसा लगा 4DX का? कुछ फील हुआ? हिलने डुलने का क्या मतलब? पिक्चर समझ में नहीं आती जाता है। पिक्चर के बारे में छोड़, 4DX का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेकार। सीट वाइब्रेट हो रही थी उसका, और पानी वाला कोई सीन ही नहीं आया, वाटर वाला तो। हवा का तो ज्यादा सीन था। हाँ तो पानी का कोई सीन होता तो बढ़िया रहता, और भी हवा का था, सीट मूवमेंट का था। तो दोस्तों, तो ये सारा एक्सपीरियंस रहा। मुझे अगर आप जब भी कोई 4DX मूवी देखने आए तो अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपने कोई वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वीडियो से जरूर कोई अपने सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।